हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल क्लासेस एंड दिस इज राहुल चौहान। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 13 के बारे में, दैट इज ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। इससे पहले जब हमने सेक्शन 5 को डिस्कस किया था तो वहां पे देखा था कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है वो दो लिविंग पर्सन के बीच में हो सकता है। और टीपीए का जनरल रूल भी ये कहता है कि जिस समय प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों ही एग्जिस्टेंस में होने चाहिए। लेकिन सेक्शन 13 कहता है कि आप किसी अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। अब पहले यह समझना इंपॉर्टेंट है कि अनबॉर्न पर्सन कौन होगा। तो अनबॉर्न पर्सन से हमारा मतलब होता है अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द मोमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ चाइल्ड इन मदर्स फॉर्म एंड पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस। अगर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के समय कोई चाइल्ड अपनी मदर की वॉर्म में प्रेजेंट है, देन इज अ कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी, उसको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है, वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन सेक्शन 13 स्पेसिफिकली बात कर रहा है उस पर्सन के बारे में जो कि अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, जो कि अभी मदर की वॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन है ए, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है बी के चाइल्ड के फेवर में, लेकिन बी की अभी शादी भी नहीं हुई है, तो जो बी का चाइल्ड है वो किस कैटेगरी में आएगा? अनबोर्न पर्सन के लिए। तो सेक्शन 13 कहता है कि आप उस अनबोर्न पर्सन को अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ में। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है कि प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो डायरेक्टली नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? कि भाई जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है तो उस प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई पर्सन वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी का टाइटल बिना किसी ओनर के ट्रांसफर होता है तो पूरा का पूरा ट्रांसफर ही वॉइड हो जाएगा। ये एक जनरल रूल है इंग्लिश लॉ का, रूल ऑफ एवियंस इसको हम जानते हैं। तो यहां पे करना क्या होगा, जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर को पहले उस प्रॉपर्टी के लिए किसी लिविंग पर्सन के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। और वो जो लिविंग पर्सन होगा उस पर्सन को और उस प्रॉपर्टी को अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सकता है। जब उसकी डेथ हो जाएगी उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसका एक्चुअल पोजिशन उस चाइल्ड के पास में चला जाएगा जिसके लिए उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया गया है। दूसरी कंडीशन है कि जो ट्रांसफर है वो एब्सोल्यूट तौर पे होना चाहिए, वहां पे कोई कंडीशन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। वहां पे ट्रांसफर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकता कि भाई अभी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं हम उस चाइल्ड को, बाद में जब वो चाइल्ड मर जाएगा तो प्रॉपर्टी चली जाएगी उसके किसी छोटे भाई या बहन को। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाई गई है तो ट्रांसफर पूरी तरीके से वॉइड होगा और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन कि जो बच्चे का जन्म है जिसके लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसका जन्म उस पर्सन के लाइफ टाइम में हो जाना चाहिए जिसके लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है। अगर बच्चे का जन्म उस पर्सन के लाइफ टाइम में नहीं होता है तो प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी ओरिजिनल ट्रांसफर के पास में, अगर वो जीवित है तो। अगर वो जीवित नहीं है तो उसके जो भी लीगल हायर्स होंगे उनके पास में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा प्रॉपर्टी की ओनरशिप इमीडिएटली उसके अंदर वेस्ट कर जाएगी, अनलेस के ट्रांसफर ने कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है। यहाँ पे सेक्शन 20 कहता है कि भाई ट्रांसफर जो है वहां कुछ कंडीशंस लगा सकता है कि इमीडिएटली प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ना हो, बच्चे के जन्म के एक साल, दो साल या तीन साल के बाद में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए। ये कंडीशन पूरी तरीके से वैलिड होगी। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ट्रांसफर है मैक्सिमम कितने टाइम तक उस ट्रांसफर को होल्ड कर सकता है। इसका आंसर देता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है कि ट्रांसफर मैक्सिमम उतने टाइम पीरियड तक उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को होल्ड कर सकता है जब तक वो चाइल्ड अपनी मेजोरिटी को अटेन नहीं करता है, यानी कि वो 18 साल का नहीं हो जाता है। जैसे ही बच्चा 18 साल का हो जाएगा प्रॉपर्टी जो का ट्रांसफर होगा वो इमीडिएटली उसके फेवर में हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसफर उसको होल्ड नहीं कर सकता है।
इसको फर्दर एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई पर्सन है ए, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है अपने ग्रैंडसन, अपने पोते के फेवर में, लेकिन उसका भी जन्म ही नहीं हुआ। तो ए डायरेक्टली तो उस ग्रैंडसन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको कहीं ना कहीं लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो ए है वो पहले उसका जो बेटा है उसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। तो यहां पे कंडीशन क्या है कि जो ए का सन है उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा अपने पूरे लाइफ टाइम में, और जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाएगा अगर ए ने कोई कंडीशन वहां पे नहीं अटैच की हुई है तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप इमीडिएटली उसके पास में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजीशन ट्रांसफर होगा ए के सन की डेथ के बाद में। तो जो ए है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम फ्री है, उस प्रॉपर्टी को वो जैसे चाहे एंजॉय कर सकता है लेकिन उसको सेल नहीं कर सकता है। अब हम अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज पर ध्यान दें तो बेयर एक्ट कहता है ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। कि अगर आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी ऐसे पर्सन के फेवर में करना चाहते हो जो कि ट्रांसफर के टाइम पे एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है उसका, देन इट इज सब्जेक्टेड। यहाँ पे फिर आपको कुछ कंडीशंस को देखना पड़ेगा। क्या कंडीशंस होंगी? अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर, पहले कहीं पे प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा लाइफ इंटरेस्ट के तौर पे। एंड देन इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी। उसके बाद में जब उस अनबोर्न पर्सन के पास में प्रॉपर्टी जाएगी तो एब्सोल्यूट तौर पर जाएगी, वहां पे कोई इफ एंड बट अलाउ नहीं होगा। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई पर्सन है ए, वो प्रॉपर्टी पहले ट्रांसफर करता है बी को लाइफ इंटरेस्ट के तौर पे, और वहां पे क्लोज डाल देता है कि भाई जब बी की डेथ हो जाएगी तो जो प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी इस अनबोर्न पर्सन के फेवर में। तो यहां तक तो कंडीशन वैलिड है, लेकिन उसके बाद भी वो वहां पे सब क्लोज अटैच करता है कि ये जो अनबोर्न चाइल्ड है ये भी प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट तौर पर रिसीव नहीं करेगा। जब इस चाइल्ड की डेथ हो जाएगी उसके बाद में प्रॉपर्टी चली जाएगी इस दूसरे चाइल्ड को, और ये जो सेकंड चाइल्ड के पास में प्रॉपर्टी जा रही है ये एब्सोल्यूट तौर पर होगी। तो ये जो ट्रांसफर है वो पूरी तरीके से वॉइड होगा। क्यों वॉइड होगा? क्योंकि जो अनबोर्न पर्सन के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वो एब्सोल्यूट तौर पर नहीं हुई है, यहाँ पे क्लोज अटैच कर दिया गया है कि जब इसकी डेथ हो जाएगी तो जो दूसरा चाइल्ड होगा उसके पास में प्रॉपर्टी चली जाएगी। इसलिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर पूरी तरीके से वॉइड होगा और प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी ए के पास में, और अगर ए जीवित नहीं है तो उसके जो भी लीगल हाइट्स होंगे उनके पास में प्रॉपर्टी चली जाएगी। इसका एक केस है हमारे पास में, ग्रीस दत्त वर्सेस दत्ता दीन का। इसमें जो ए पर्सन है वो प्रॉपर्टी का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है बी के लिए, और वहां पे क्लोज अटैच कर देता है कि बी के बाद में जो बी के चाइल्ड होंगे स्पेशली जो उसके सन होंगे उनके पास में प्रॉपर्टी चली जाएगी एब्सोल्यूट तौर पे। लेकिन अगर बी के कोई बेटा नहीं होता है तो जो उसकी बेटियां होंगी उनके पास में प्रॉपर्टी चली जाएगी, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी जा रही है वो एब्सोल्यूट तौर पे नहीं जाएगी, केवल वहां पे उन बेटियों का लाइफ इंटरेस्ट होगा। अब होता क्या है कि जो बी है बी की कोई औलाद ही नहीं होती, बी ऐसे ही मर जाता है, जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है वो पूरी तरीके से अवॉइड हो जाता है, प्रॉपर्टी वापस चली जाती है ट्रांसफर के पास में। दूसरी यहां पे एक और कंडीशन है कि जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, तो लाइफ इंटरेस्ट जिस भी लिविंग पर्सन के फेवर में आप क्रिएट कर रहे हो वहां पे ऐसी कोई कंडीशन मौजूद नहीं है कि एक ही पर्सन के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है या दो के या तीन के। ये पूरी तौर पे ट्रांसफर के पास में राइट होगा कि वो एक पर्सन के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, दो के या तीन के। बस कंडीशन यहाँ पे है कि जितने पर्सन के फेवर में वो लाइफ इंटरेस्ट को क्रिएट कर रहा है वो सारे ही उस समय एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, जीवित होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कुछ इस तरीके से कर देता है कि पहले तो प्रॉपर्टी रहेगी बी के पास में, जब बी मर जाएगा तो प्रॉपर्टी चली जाएगी सी के पास में, सी के मरने के बाद प्रॉपर्टी चली जाएगी डी के पास में, और डी के मरने के बाद प्रॉपर्टी चली जाएगी बी का जो अनबोर्न चाइल्ड है उसके फेवर में।
और यहाँ पे जो अनबोर्न चाइल्ड के फेवर में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है वो एब्सोल्यूट तौर पे हो रहा है, तो ये जो ट्रांसफर है पूरी तरीके से वैलिड होगा। बट यहाँ पे एक और कंडीशन देखी जाएगी कि जो ये अनबोर्न चाइल्ड है जिसको प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट तौर पे ट्रांसफर हो रही है, इसका जन्म डी के लाइफ टाइम में होना चाहिए। अगर इस बच्चे का जन्म डी के लाइफ टाइम में नहीं होता है तो प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी ए के पास में, या जो उसके लीगल हायर्स होंगे उसके पास में, अगर ए जीवित नहीं है तो। कंडीशन क्या है कि भाई जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है वहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ट्रांसफर एक के फेवर में कर सकता है, दो के फेवर में या चार के फेवर में, यहाँ ऐसी कोई भी लिमिटेशन मौजूद नहीं है। फाइनली अगर हम सेक्शन 13 को बाकी लॉज से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में टीपीए के आने से पहले जो अनबोर्न चाइल्ड के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है वो पूरी तरीके से वॉइड था, लेकिन टीपीए का सेक्शन 13 आने के बाद में अनबोर्न चाइल्ड के फेवर में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो सकता है, ये पूरी तरीके से वैलिड होगा। लेकिन मुस्लिम लॉ सेक्शन 13 को एक्सेप्ट नहीं करता है, मुस्लिम लॉ में किसी अनबोर्न पर्सन के फेवर में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अगर हम इंडियन सक्सेशन एक्ट से इसको कंपेयर करके देखें तो सेक्शन 13 आइडेंटिकल है सेक्शन 113 की। डिफरेंस यहाँ पे बस इतना है कि सेक्शन 13 में जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात हो रही है वो इंटर विवोस ट्रांसफर की बात हो रही है, दो लिविंग पर्सन के बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। लेकिन सेक्शन 13 बात करता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की जो कि वसीयत के तौर पे हो रही है, एंड एज यू नो वसीयत के तौर पे जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो जो वसीयत बनवाने वाला पर्सन है, जो टेस्टेटर है, टेस्टेटर की डेथ के बाद में प्रॉपर्टी का एक्चुअल ट्रांसफर होता है। सो गाइस ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप उसको समझ पाए होंगे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।